वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश फ्लो। ठीक है, बिजनेस के अंदर आप देखिए आपका कैश फ्लो नेगेटिव या कैश फ्लो पॉजिटिव तो नहीं है, है ना। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हुआ तो धंधा आपका माइनस में जा रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ तो धंधा आपका प्लस में जा रहा है। बेसिकली धन क्या करता है कि आपने माल बनाया, माल बेच दिया, ठीक है, उसका पैसा आ रहा है 3 महीने बाद, लेकिन उसका उसके आपके बिजनेस पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। आपने माल बनाया भी नहीं, माल बेचा भी नहीं, उसका एडवांस पैसा आपके पास आ गया, तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव साइन ये भी है कि अगर आपने माल बनाया, माल बेच दिया और हैंड टू हैंड आपको पैसा मिल गया तो वो भी कैश फ्लो पॉजिटिव में आता है। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो एडवांस लीजिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पैसा एडवांस ले लीजिए, या जैसे ही आपने माल डिलीवर किया हैंड टू हैंड आपको 1 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर वो पैसा आपके पास आ जाए। टोटल पैसा अगर 100 रुपये का माल बेचा है तो 100 रुपये पूरे आपके पास आ जाने चाहिए, तो वो कैश फ्लो पॉजिटिव में आ जाता है। सो इसके अंदर फटाफट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो माल है वो कैश में सेल करना है, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपको माल कैश में सेल करना है। सेकंड पॉइंट हो गया कोशिश कीजिए कि क्लाइंट से आप एडवांस लें, ठीक है, कोशिश यही रखिए कि एडवांस लें। आपको एक रूल बता देता हूँ, 25, 25 और 50, यानी कि 25% एडवांस ले लो, ठीक है, और 25% काम आधे काम में होते होते ले लो, और जैसे ही काम कंप्लीट हो 50% तब ले लो। या आप इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, 50, 25, 25, यानी कि 50% एडवांस ले लो, ठीक है, और 25% आप लोग काम के बीच में, ठीक है, और जैसे ही काम कंप्लीट होता है 25% पेमेंट तब कर लो, ठीक है। या तो 50, 25, 25 कर सकते हो, या 25, 25, 50 कर सकते हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि 50, 50, 50, 50, 25, 25 बताया तो यही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी सिचुएशन आपका बिजनेस अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लीजिए, किसी की मत सुनो, ठीक है, अपने दिमाग से काम करो, क्रिएटिव काम करो। ये आदमी राह दिखा सकता है बस, ठीक है, बिजनेस में क्या करना है वो आपकी समझ है। सेलिंग मेथड जो है आपका, जो भी सेलिंग मेथड है उसको ऑनलाइन रखें, डिजिटल रखें, पहले पैसा बाद में माल। मैकडोनल्ड में कभी गए होंगे, पहले पैसा बाद में खाना, ठीक है, डोमिनोज में कभी गए होंगे, पहले पैसा बाद में खाना। तो ऑनलाइन मेथड रखने से, डिजिटल मेथड रखने से यही होता है कि बारकोड मेथड रखने से यही होता है कि पहले पैसा बाद में माल। फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पहले पैसा बाद में माल, ठीक है जी। जल्दी जल्दी आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि फीडबैक लीजिए कस्टमर को, जब भी आप कुछ सर्व करो तो उससे फीडबैक ले लो, और जैसे ही फीडबैक लोगे तो आपको अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे, अपनी कमियां पता चल जाएंगी। जैसे ही आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी तुरंत आपको उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, तुरंत उस कमी को दूर करना है, अप्लाई करना है। तो कस्टमर सबसे अच्छा एक वे है जहां से आपको फीडबैक पता चलेगा, क्योंकि वहीं से आपको पैसा कमाना है, उसी को आपको सर्व करना है, तो उसी से पता करो भैया दिक्कत क्या है, तुरंत वही आपको बताएगा, ठीक है। कस्टमर से छोटे छोटे सर्वे कराएं, ठीक है, छोटे छोटे सर्वे कराएं, एक पैम्पलेट देने सर इसमें भर दो हमारी क्या कमी है, आपको क्या और आगे अच्छा लेना है, क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हमारे से, उसकी एक्सपेक्टेशन पूछें, ठीक है, अपने ब्रांड से रिलेटेड पूछें कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर को आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करें, ठीक है जी। तो कस्टमर से फीडबैक लें और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। कस्टमर की पसंद को जाने, टाइम टू टाइम पर कस्टमर की पसंद चेंज हो जाती है। तो देखिए ये सिंपल सा फंडा है कि कस्टमर जो चाहता है, उसकी जो पसंद है उसको जाने, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे पल पल चेंज होगा, ठीक है, पल पल जीवन है, पल पल जैसे ही चेंज होगा कस्टमर की सोच जो है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही वो कुछ नया देखता है, कुछ इनोवेटिव देखता है, या कुछ नया उसके जीवन में होता है तो चेंज हो जाता है। और दूसरा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, कस्टमर को हर बार कुछ नहीं चाहिए। आपने पहले क्या किया उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अगली बार कुछ नया चाहिए। और जैसे ही आप कुछ नया नहीं देंगे ना तो कस्टमर बोर हो जाता है, ठीक है। ईड हार्डी एक फैशन ब्रांड था अपने टाइम पे, ईड हार्डी के कपड़े वर्ल्ड लेवल पे बिके, लेकिन ईड हार्डी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, वो बस वही करता गया जो वो करता आ रहा है। तो नया आपको लाना बहुत ज़रूरी है, अगर नया नहीं लाए ना तो ब्रांड्स खत्म हो जाएंगे। ईड हार्डी ब्रांड आज कहीं पर भी नहीं है, कौन पहनता है उसके कपड़े, है ना। तो यही चीज़ है, नया नया आपको लाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। ये नहीं कि पहले धर्रे पे चल रहे हैं, गले पे बैठे काम चल रहा, ऐसे नहीं होगा, आपको नया नया करना पड़ेगा। छठवां पॉइंट आ जाता है, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आप देख लो कि उसका मार्केट साइज़ कितना है।
आप जो कौन से फील्ड में एंट्री मार रहे हो, रियल इस्टेट में एंट्री मार रहे हो, टेक्सटाइल में एंट्री मार रहे हो, एनीवे कोई भी सेक्टर में आप एंट्री मार रहे हो, तो आप देख लो कि उसका मार्केट साइज़ कितना है और आप कितना उसे कैप्चर कर सकते हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट साइज़ कैप्चर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट साइज कैप्चर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पास होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाओगे, अपनी सर्विस बेच पाओगे, और वहाँ से जो मुनासिब प्रॉफिट होगा वो अर्न कर पाओगे। मेन यही होना चाहिए कि कस्टमर को सर्विस बेचना, बिजनेस खड़ा करना, प्रॉफिट ये जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो आता है, ठीक है। तो मेन जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना, ठीक है जी। और कोशिश कीजिए कुछ क्रिएट करने की, कुछ न्यू क्रिएट करने की। अगर पूरी मार्केट ही आप न्यू क्रिएट नहीं कर सकते तो आप अपनी जो भी आपकी मार्केट है उसमें कुछ इनोवेटिव कीजिए, कुछ न्यू कीजिए, क्योंकि नया ही लोगों को पसंद है। और आप देखिए पुरानी चीज़ें आप भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, आप भी नई चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको जब नया चाहिए तो आप ही कस्टमर हो किसी ना किसी के लिए, है ना। तो जब आप किसी ना किसी के लिए कस्टमर हो तो वही चीज़ है बस, जैसे आपको नया चाहिए वैसे ही आपके कस्टमर को भी नया चाहिए। तो आप समझ लो, तो पुराने तरीके से जो आप पैसा कमा रहे हो तो कोशिश करो वो 6 महीने साल भर चले बस, उसके बाद नया, बस ध्यान रखो दिमाग को नया चाहिए, नया सब कुछ चाहिए। एक फिल्म एक बार देख ली, दोबारा उस फिल्म को नहीं देखने जाओगे, है ना। तो ऐसे ही एक फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा अगर उसका दूसरा भाग आ रहा है तो उसमें कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव होना चाहिए, नहीं तो भैया थिएटर में भी बोतलें फूटती हैं, थिएटर में भी चप्पलें चलती हैं, ऐसे बिजनेस में होता है, कस्टमर छोड़ के भाग जाता है और दुकान बंद, शटर ऑफ। देखिए ये 6 का सेकंड पॉइंट है, और ये जो मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट बहुत ज़्यादा टफ है, वो एक बात छोड़ दीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अब उससे आपको एक तरीके से कोई लेना देना है नहीं, बट लेकिन ध्यान रखना है, लेना देना नहीं है पर ध्यान रखना है सामने वाले कॉम्पिटिशन के ऊपर। देखिए प्रोडक्ट या सर्विस पे आप अपना जितना भी आपका खर्च है वो सारा खर्च निकालने के बाद आप 10% 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 30%, ठीक है। मतलब जो भी आपका खर्च निकल गया, जो भी आपने खर्च किया है सैलरी वगैरह जितना भी आपका खर्च है बिजनेस के अंदर, वो सब खर्च निकलने के बाद आप 10% 20% और ज़्यादा ही कुछ है तो 30%, बस इससे ऊपर आप जाओ भी मत, है ना। और मैं तो कोशिश करूँगा कि 10% से 20% के बीच में ही अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो, यहीं पे ही अपना ध्यान रखो, ठीक है जी। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करनी है चीज़, ये नहीं कि इतना बोल दिया तो इतना ही करना है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि बिज़नेस आपका है, आपको करना है, किस तरीके से आपको क्या चीज़ सही लगेगी वही करना है, बट ये है कि कस्टमर को लूटने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर भगवान है आपका, और आप भगवान को लूटने की कोशिश करोगे तो भगवान चले जाएंगे, है ना। तो कस्टमर को लूटने की कोशिश ना करें, बिग वॉल्यूम पे फोकस करें, बड़े से बड़ा कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश करें। और कस्टमर एक्वायर करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि आप कम पैसे में अच्छी सर्विस दें लोगों को। और बिज़नेस का काम क्या होता है, व्यापार का किसी का काम क्या होता है, किसी की ज़िंदगी को सरल आसान करना, यही व्यापार का काम है। इसमें कोई फ्रॉडबाजी धोखेबाजी दगाबाजी ये बिल्कुल भी मत करना, और कोशिश करना कि अच्छा ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। प्रॉफिट मार्जिन जब आना होगा आ ही जाएगा, और देखिए जो सही से काम करता है और अपनी ईमानदारी से काम करता है तो प्रॉफिट मार्जिन उसका आ ही जाता है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस को कम से कम मिनिमम प्रॉफिट पर चलाएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लूटने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भी आप में से ही कहीं कोई ना कोई है, आपका घर वाले जैसे आपके चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन सब मेहनत से पैसा कमाते हैं, ऐसे ही वो कस्टमर है वो भी मेहनत से पैसा कमाता है, है ना। अगर आप उसे लूटने की कोशिश करेंगे तो आप एक तरीके से सोचिए कि आप अपने घर में से किसी को लूट रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। कस्टमर को लूटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और एक प्रॉफिट मार्जिन पे, एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पे अपना काम करें। और जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो छोटा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा नज़र आता है, ठीक है। वॉल्यूम को बड़ा करें, 1000 2000 3000 4000 5000 10000 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ अब 20 करोड़ लोगों पे आप पहुंच गए और 10 रुपये का प्रॉफिट रखा तो 10 करोड़, ठीक है, 10 रुपये इंटू 20 करोड़, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे फोकस करें और कम से कम प्रॉफिट पे आप फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे फोकस करें और कम से कम प्रॉफिट पे फोकस करें। लोगों को सर्विस दें, इज्जत दें और उन्हें उनके हक का दें, ठीक है, और फिर उसमें से थोड़ा प्रॉफिट आप अपने पास रखिए।
सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और पॉइंट्स नोट करना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपके बिजनेस में और आने वाली पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ अच्छी होगी तो बिजनेस लाइफ भी अच्छी ही होगी। सो थैंक यू सो मच।